नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कॉन्सेप्ट की कक्षा में। आज मैं आपको बताऊंगा गेल के तरफ से आई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, गेल रिक्रूटमेंट 2021 आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोर्ड ने जारी किया है। तो इसमें इलिजिबल कौन कौन से हैं, सैलरी क्या रखी गई है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, सही प्रोसेस जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं अप्लाई करके ही बताऊंगा ताकि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। हमारे चैनल पे जॉब अपडेट रिलेटेड वीडियो आती है और काफी सारी क्यूजेस आती है। तो हम ऐसे ही जॉब अपडेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जॉब अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपडेट। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन गेल की तरफ से रिलीज किया गया है। ये महारत्न कंपनी है, पीएससी सबसे बड़ी पीएससी है जो नेचुरल गैस कंपनी है। तो इसमें वैकेंसी की बात करें तो बहुत सी कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है, जैसे मैनेजर की वैकेंसी है और सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है जो केमिकल में है, मैकेनिकल में है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में है, इंस्ट्रूमेशन में है, सिविल में है और बॉयलर ऑपरेशन के लिए है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सीनियर ऑफिसर है। और उसके बाद वैकेंसी आई हुई है BIS में, मार्केटिंग में, HR में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, लॉ में आई हुई है, F&A में आई हुई है और लेबोरेटरी में आई हुई है। तो कुल टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल 22 कैटेगरी में वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 90 रखी गई है वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 220 है अलग अलग कैटेगरी में, सभी कैटेगरी को मिला दिया जाए तो टोटल 220 वैकेंसी है, जिसमें रिजर्वेशन भी रखा गया है। तो ये सब देखिए, ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया है क्या क्या आपको आना चाहिए और किसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जनरली BCom रखा गया है, ग्रेजुएशन BA या BCom में अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप मैनेजर के पोस्ट पर डाल सकते हैं। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है और मार्केटिंग में भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग रखा गया है 65% मार्क्स के साथ और 2 साल का MBA होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सीनियर इंजीनियर जो केमिकल में है उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, उसमें भी बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए और साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं GET के लिए। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस नीड किया गया है और 65% मार्क्स आपके होने चाहिए BTEC में। इलेक्ट्रिकल में भी सेम कंडीशन रखा गया, इंस्ट्रूमेशन में भी। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी मैंने पहले बताया 220 वैकेंसी टोटल है, जो 22 कैटेगरी की आई हुई है, 22 डिपार्टमेंट से आई हुई है। ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा जहां से आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं कहां कहां की वैकेंसी है। और एज की बात करें तो एज बेसिकली वैसा ही रखा गया है, आप 35 तक रखा गया, मतलब आपकी 1 जनवरी से पहले आपका 35 ईयर मतलब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और इंटीग्रेटेड डिग्री है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बी के साथ एमटेक भी किया है वो भी अप्लाई कर सकती है, MBA किया है उन्होंने वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी किसी पोस्ट में डिजायरेबल है, मतलब फ्रेशर भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे नोटिफिकेशन की बात करें तो सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी है, मतलब सबसे मिनिमम सैलरी इवन कैटेगरी की 50,000 रखी गई है इनिशियल बेसिक सैलरी, जो पे स्केल आपका 160 तक जाएगा। तो ये टोटल आप देख सकेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कैसे कैसे अप्लाई करना है। अप्लीकेशन फी की बात करें तो अप्लीकेशन फी 200 रुपीज रखी गई है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 200 रुपये अप्लीकेशन फी रखा गया है, SC ST के लिए अप्लीकेशन फी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कैसे अप्लाई करना है, www.guildonline.com पे आपको जाना है और ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 7 जुलाई से, जो चलेगा 5 अगस्त तक, इसके बीच में आपको अप्लाई कर लेना है। मैं भी अप्लाई करके बताऊंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको ले चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे। साइट है गेल का, ये ऑफिशियल साइट है गेल का। यहाँ पे आप आने के बाद ये इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इस साइट पे आ सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी कैटेगरी में वैकेंसी दिखाई गई है यहाँ भी, और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट भी यहाँ बता दिया गया है, कौन कौन से डिसिप्लिन है वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं एक डेमो दिखाता हूँ मैकेनिकल के लिए अप्लाई करके।
तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, नीचे एक बैनर शो हो रहा है अप्लाई, अगर आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस टाइप का फॉर्म। तो इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आप जाने के बाद रजिस्टर हेयर पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉग इन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या रजिस्टर हेयर पे मैंने क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम और यूजर का डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम आपको सिलेक्ट करना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद, ईमेल आईडी पुट करने के बाद, आप कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप जैसे रजिस्टर पे जाइएगा, ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा कंफर्मेशन मेल, वो कंफर्मेशन मेल में ही आपको टोटल डिटेल दिया जाएगा कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो उसके बाद आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस डालना, मतलब पुट करना होगा। उसको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको वहाँ पर पेमेंट करना होगा 200 का। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका पेमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कीजिए, कंप्लीट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हेल्प करूंगा आपको कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। होप्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको ऐसी जानकारी मिल सके। थैंक यू।